गुड मॉर्निंग क्लास और वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू दिस इज दिव्यांशू पांडे फैकल्टी ऑफ जीके एट एसएससी क्रैक एग्जाम आज की इस डेली डिफेंस करंट अफेयर तो क्लास में आप सभी डिफेंस स्टूडेंट्स का वेलकम और लगातार आप सभी इस क्लास से जुड़ते जाइए प्रिया मुस्कान मेघ माधुरी अली आजादी लवी सिद्धार्थ आप सभी को गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद और इसी के साथ चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं अपने आज के डेली डिफेंस कंट्री की क्लास के जहाँ पर हम नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल दोनों ही इवेंट्स आपके कवर करेंगे आप सभी जानते हो कि एस क्रैक एग्जाम एक ई लर्निंग पोर्टल है जहाँ पर हम डिफेंस रिलेटेड कोर्सेस आपको पढ़ाते हैं और आप हमारे ऐप में आकर वीडियो लेक्चर्स की फैसिलिटी उस कोर्स से रिलेटेड जिसमें आप इनरोल हो डेली लाइव क्लासेस स्टडी प्लान्स और स्टडी नोट्स दोनों हम प्रोवाइड कर रहे हैं मॉक टेस्ट की फैसलिटी है जिससे कि आप अपनी एक ऑल इंडिया रैंक एनासिसिस ले पाओगे सिलेबस बिल्कुल अप टू तो डेट हैं और ऑफलाइन एक्सेस हम अपने वीडियोज और डॉक्यूमेंट्स दोनों के ही आपको प्रोवाइड कर रहे हैं दीज आर दी कोर्सेज विच आर रनिंग बाई द एस एस बी क्रैक एग्जाम लाइक एस एस बी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स एन डी एस सी डी एस एम एन एस टेरिटोरियल आर्मी ए सी सी एंड मैनीदर्स इन सभी कोर्सेस के बंडर्स और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है जहाँ पर आप इनरोल हो के बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर पाओगे इस क्लास के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप सभी हमारे ब्लॉग चैनल और टेलीग्राम चैनल पर विजिट कर लें जहां से आपको इस क्लास का पीडीएफ भी मिल जाएगा ऐसे स्टूडेंट जो कि हमारे कोर्सेज में आने वाले एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं वो सभी सबसे पहले इस वॉरिट एन कोड का यूज़ करें जिससे कि आपको टेन परसेंट का डिस्काउंट मिले और आप घर बैठे अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटेटिव एजुकेशन इस एच क्रैक एग्ज़ाम के ई लर्निंग पोर्टल से ले पाएँ तो ये थी आपसे रिलेटेड कुछ बातें अब बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ़ द डे की तरफ तो कल मैंने आपको क्वेश्चन ऑफ़ द डे दिया था कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द रैंक एंड आइडेंटिफाई द एक्सरसाइज फटाफट बताइए कि ये हमारे इंडियन एयरफोर्स की कौन सी रैंक है ये ऑफिसर आप जान रहे हो ना इंडियन एयरफोर्स के हैं ये तो ऑस्ट्रेलिया के हैं इनको छोड़ दीजिए इनका बताइए कि इनकी रैंक क्या है क्लास से लगातार आप सभी जुड़ते जाइए क्लास को लाइक और शेयर भी करिए विथ ऑनर वेरी गुड सिद्धार्थ वेरी गुड तो चलिए सभी के आंसर लगभग लगभग सही हैं एंड द राइट आंसर इज द ग्रुप कैप्टन एंड द एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2022 तो ये देखिए जो भी ग्रुप कैप्टन होता है यानी कि कर्नल में इंडियन आर्मी के कलर रैंक के इक्वलेंट तो देखिए उसके चार आपके हम कह सकते हैं कि स्ट्रिप्स होती हैं वन टू थ्री फोर ठीक है और उनको एक आपका ऐसा लोगो दिया जाता है और ये एक्सरसाइज आपकी क्या चल रही है पिच बैक चल रही है जो कि कहाँ पे हो रही है डार्विन सिटी ऑस्ट्रेलिया में आपकी कंडक्ट की जा रही है तो ये थी आपकी क्वेश्चन ऑफ़ द डे से रिलेटेड एक बात है अब शुरुआत करते हैं क्लास की अपने इवेंट के साथ तो देखिए इंडियन आर्मी चीफ जनरल पांडे हैंड्स ओवर नॉन लीडल मिलिट्री आइटम्स टू नेपाल और हमारे इंडियन आर्मी चीफ मनोज पांडे नेपाल की यात्रा पर गए हुए हैं वहाँ पर उनको आपके बहुत सारे जो बायोलिटिकल टॉक्स हैं नेपाली आर्मी के साथ वो करेंगे और करना शुरू भी कर दी है इसके साथ उन्होंने जो है नेपाली आर्मी को जो है नॉन लीथल मिलिट्री आइटम्स जैसे कि आपके जितने भी ट्रक्स हो गए मेडिसिन इक्विपमेंट्स हो गए इन सभी को उन्होंने प्रोवाइड किया है देयर हैज़ बीन अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ एक्सचेंज ऑफ द विजिट बाई द आर्मी चीफ ऑफ नेपाल एंड इंडिया एंड कन्फर्मिंग द टाइटल ऑफ द ऑनरी जनरल टू द बोथ आर्मीज ठीक है तो वहाँ पर हमने जो टाटा और महिंद्रा जो ट्रक्स बनाती हैं उनको हमने दिया और जितने भी कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड मेडिकल किट थी उनको हमने नेपाल को प्रोवाइड किया और दोनों देशों के बीच एक आपका संबंध है कि दोनों देश एक दूसरे के आर्मी जनरल्स को टाइटल दे ऑनरी जनरल ऑफ द बोथ आर्मी चीफ्स का द ट्रेडिशन स्टार्टेड इन द नाइनटीन फिफ्टी इंडिया ऑल्सो कन्फर्स द ऑनरी रैंक ऑफ जनरल ऑफ इंडियन आर्मी टू द नेपाली आर्मी चीफ और हम सभी जानते हैं कि नेपाल हमारा काफ़ी अहम पार्टनर है और 1850 किलोमीटर की जो बाउंड्री हम उनके साथ साझा करते हैं और हमारे पांच ऐसे राज्य हैं जो कि नेपाल की सरहदों से उनकी सरहद मिलती है ये कौन कौन है सिक्किम पश्चिम बंगाल बिहार उत्तर प्रदेश और आपका उत्तराखंड हम सभी जानते हैं कि आपका नेपाल क्या है एक लैंड लॉक्ड कंट्री है और लैंड लॉकड कंट्री के होने के साथ इसको हम क्या कहते हैं एक बफर स्टेट कहते हैं बफर स्टेट उसको कहा जाता है कि जो दो सेंटर पावर्स के बीच में आ जाता है जैसे चाइना और इंडिया के बीच क्या है आपका नेपाल ओके और जैसा मैंने बताया टाइटल ऑफ द ऑनरी रैंक्स मिलता है तो कल हमारे इंडियन आर्मी के चीफ को नेपाल की जो प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी जी के द्वारा नेपाली चीफ ऑफ द आर्मी का टाइटल कल इनको दिया गया है और इसी प्रकार से जब नेपाल के आर्मी चीफ की भारत विजिट होती है तो उनको ऑनर ऑफ द इंडियन आर्मी चीफ के सम्मान से पुरस्कृत किया जाता है तो ये थी आपकी नेपाल से रिलेटेड बातें जहाँ पर हमने उनको काफ़ी इक्विपमेंट्स भी दिए हैं और साथ ही साथ नेपाल के द्वारा इंडियन आर्मी चीफ को जो है इस ऑनरे रैंक ऑफ नेपाली चीफ से सम्मानित किया गया है अगला इवेंट यू और इंडिया से रिलेटेड है यूएनएससी काउंटर टेरिज्म कमेटी टू होल्ड स्पेशल मीटिंग इन इंडिया तो देखिए यूनाइटेड नेशन जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसकी एक कमेटी है जिसको हम आपका यूएनएससी काउंटर टेरिज्म कमेटी कहते हैं अब इनकी एक स्पेशल मीटिंग आपके अक्टूबर मंथ में ना न्यू एंड एमरजिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भारत में आयोजित की जाएगी जो कि काफ़ी बड़ी बात है माइंडफुल ऑफ द इंक्रीजिंग थ्रेट्स पोज बाई द मिस यूज ऑफ न्यू एंड इमरजिंग टेक्नोलॉजीज द यू एन एस सी काउंटर टेरिज्म कमेटी है स्पेशल मीटिंग ऑन दिस थीम विद द सपोर्ट इट्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन इंडिया इन दक्टूबर ट्वेंटी नाइन यानी कि सेप्टेम्बर चल रहा है आज से लगभग डेढ़ महीने के बाद ये बैठक का आयोजन भारत में किया जाएगा अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से एक सबसे लेटेस्ट घटना बता देता हूँ आपने परसों देखा इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा था वहाँ पे हमारी खिलाड़ी हैं अर्शदीप ठीक है उनके द्वारा एक कैच आपका ड्रॉप कर दिया गया था उनसे छूट गया तो उस बात को लेकर पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंसी है उसने खालिस्तानी आपका मिस इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर करना शुरू कर दिया जिस भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए विकीपीडिया को समन भेजा है कि आपके पेज पर कोई भी आकर कैसे जो है डेटा uh, को कन्वर्ट कैसे कर सकता है तो ये सब क्या है इसको हम कहते हैं फिफ्थ जनरेशन का वॉरफेयर और ये रशिया और यूक्रेन के बीच में भी आपका लड़ा जा रहा है इस कारण से यू की काउंटर टेरिज्म कमेटी की मीटिंग भारत में आपकी आयोजित होगी द स्पेशल मीटिंग विल स्पेशफली फोकसेस ऑन थ्री सिग्निफिकेंट एरियाज़ और ये तीन आपके सिग्निफिकेंट एरियाज़ कौन कौन से हैं तो देखिए इसमें आपका इंटरनेट एंड सोशल मीडिया टेरिज्म फाइनेंसिंग और अनमाइंड एरियल सिस्टम क्योंकि हम सभी देख रहे हैं कि यू का ड्रोन्स का भी काफ़ी मिस हो रहा है एक दूसरे के बॉर्डर में भेजने को लेकर जैसे पाकिस्तान हमारे बॉर्डर में भेज देता है ड्रोन्स जिसमें आपके हथियार ड्रग्स ठीक है ये सभी आपके शामिल होते हैं तो इन तीन मुद्दों पर आपकी बैठक होगी जिसमें आपका इंटरनेट एंड सोशल मीडिया टेरिज्म फाइनेंसिंग और अनमाइंड एरियल सिस्टम ये सभी शामिल हैं ओके चलिए नेक्स्ट इवेंट पे आते हैं तो ये सीआरपीएफ से हमारा रिलेटेड है सून डॉग्स टू बी एक्स्ट्रा आइस कोरियर्स फॉर सीआरपीएफ इन कॉम्बैट जोन्स सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो कि हमारी एक पैरामिलिट्री फोर्स है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है और सीआरपीएफ हमारी जम्मू कश्मीर नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डिप्लॉयड रहती है जो कि आपका एक टेरिस्ट जोन है जहां पर आपका नेक्सलाइट जोन है ना नॉर्थ ईस्ट में देखें नक्सलाइट हैं जम्मू कश्मीर में देखें तो आपके उग्रवादी आतंकवादी ये सभी रहते हैं तो वहां पर हमारे सी बेहतर तरीके से आपके ऑपरेट कर पाए और सी को एक और जिसको हम कहते हैं तीसरी आँख मिल सके उसके जरिए अब हम जो है जितने भी आपके स्पेशल डॉक्स होते हैं डॉक्स यूनिट को सी में अब आपका लाया जाएगा जिससे कि ये डॉक्स रिमोट एरियाज में आसानी से सर्वेलेंस कर सकेंगे और इसके अलावा अमेरिका और कनाडा का जो कि आपके स्पेशल इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि डॉक्स में हम लगाते हैं जैसे मान लीजिए आप सैनिक हो आप सोल्जर हो तो आपके पास क्या रहेगा हेलमेट रहेगा बुलेट प्रूफ जैकेट रहेगी ना थर्मल रडार रहेगा और भी अलग अलग तरीके के आपके आधुनिक इक्विपमेंट रहेंगे उसी प्रकार से डॉक्स बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाए तो उनको एक सबसे सोफिस्टिकेटेड आपका हथियार दिया जाता है ये हथियार क्या है अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ दिस विल हैपन थ्रू द प्रोक्यूरमेंट ऑफ के नाइन विजन सिस्टम के नाइन विजन सिस्टम दिखता कैसे है अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं और कैनाइन रिमोट डिप्लॉयमेंट सिस्टम ये दोनों सी के डॉक्स के लिए अमेरिका और कनाडा से भारत मंगाएगा जिससे कि हम अपने जितने भी ऑपरेशन हैं उसको बेहतर कर सकें और किस ब्रीड के डॉक्स का हम इस्तेमाल करेंगे तो बेलेज आ, बेल्जियन शपर्ड मेलियोनस इस डॉग के ब्रीड का इस्तेमाल किया जाएगा आपके किसी भी जो भी टेरिस्ट वाला ऑपरेशन होता उसमें हमारी सीआरपीएफ इन प्रकार के कुत्तों को लेंगी ठीक है अब देखिए ये जो आप चश्मा देख पा रहे हो ठीक है ये आपका क्या है के नाइन विजन सिस्टम है विजन सिस्टम कहा गया है ना और के नाइन कैमरा सिस्टम इसमें आपका लगा हुआ है और साथ ही साथ जो हम डॉग्स में एक पट्टा बांधते हैं और उस पट्टे में हम एक प्रकार का आपका चिप लगाए रहते हैं उसको हम सी आर डी एस प्रोग्राम कहते हैं ठीक है तो ये सभी आपके जो गैजेट सिस्टम होते हैं पूरे वर्ल्ड वाइड स्पेशल फोर्सेस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं और ऐसा सिस्टम अब हमारे डॉक्स यूनिट्स में लगेगा जिससे कि सी को आपका काफ़ी एडवांटेज मिल सकेगा कि कॉम्बेट एरियाज में वो इन डॉक्स यूनिट के साथ बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाए ओके जी हाँ चिप अगला आपका इवेंट आइनस सतपुरा कंक्लूड्स फीजी विजिट तो देखिए हमारे पचहत्तरवें स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हमने मना लिया है और छिहत्तरवा वर्ष आपका लग भी चुका है तो इंडियन नेवी का जो वॉरशिप आई एस सतपुरा है ठीक है जो कि आपके सेवेंटी फिफ्थ ईयर के इंडिपेंडेंस के डिप्लॉयमेंट के लिए फीजी की तरफ गया हुआ था वहां पर इसने भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाया और अब ये मना के जो है फी से भारत वापस लौट गया है फी के जो वहाँ पे नेवीज़ थी उनके साथ हमने ऑपरेशन डिप्लॉयमेंट आपके पैसिफिक ओशन में किया जहाँ पर हमने मेडिकल कैंप भी लगाए ओके और दोनों ही नेवीज़ के बीच जो है काफ़ी आपका अच्छा इंटर ऑबरबलिटी ऑपरेशन भी हमने कंडक्ट किया है अगर आई सतपुरा की बात कर लें तो इसको मजगौर डॉक लिमिटेड जो कि मुंबई में है उसके द्वारा 20 अगस्त 2011 में इसको बनाया गया है और इसका जो आपका होम पोर्ट है वो हमारे ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापनम में है ओके आयन एस इज इज अंडिज डिजाइन एंड बिल्ड सिक्स थाउजेंड टन गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तो ये क्या है एक प्रकार की स्टील गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है जिससे कि हम आसानी से मिसाइल लॉन्च कर सकते हैं ओके इक्विप्ड टू सीक डिस्ट्रॉय एडवर्सरीज इन एयर स्पेस एंड द अंडर वाटर चाहे वो किसी भी हमारे दुश्मन के एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर अरमेन एरियल व्हीकल सबमरीन को ये डिटेक्ट करके आसानी से उसको डिस्ट्रॉय करने में पूरी तरीके से सक्षम है तो ये है आपकी आय न सतपुरा जो कि अभी अपने पीजी के विजिट से भारत में वापस लौट गई है नेक्स्ट इवेंट आपका हमारे एच से रिलेटेड है काफ़ी अहम आपकी न्यूज़ है एच यानी कि हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एल अर्थात लार्सन एंड टूब्रो विंस 860 करोड़ रुपीस डील फ्रॉम एन एस आई एल टू बिल्ड फाइव पी एस एल वी रॉकेट्स तो देखिए हम कह रहे हैं ना कि स्पेस के सेक्टर में भी अब आपका प्राइवेटाइजेशन आ रहा है और प्राइवेटाइजेशन जरूरी भी है क्योंकि इसरो तो अकेले पूरा कार्य कर नहीं सकती है इसलिए एच एल और एल एन टी ने एन सी एल के द्वारा जो पाँच आपके पी एस एल वी रॉकेट्स बनाए जाएंगे जिनकी लागत लगभग आठ सौ साठ करोड़ रुपए आएगी उसके आपके डील को उन्होंने जीत लिया है ओके जिससे कि अब ये जो आपके पोलर सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स से हैं उनका प्रोडक्शन ना इस प्रकार के रॉकेट्स भारत में ही ये दोनों कंपनियां बनाएंगी पहले भी भारत ही बनाता था अभी भी भारत की ये दोनों कंपनियां बनाएंगी द कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर मैन्युफैक्चरिंग फाइव पी एस एल वी रॉकेट द वर्सेटाइल वर्क शोर लॉन्च व्हीकल फॉर इंडिया आफ्टर द टेक्नो कॉमर्शियल इवोल्यूशन ऑफ थ्री बिट्स एच ए एल एल एन टी कॉन्स हैज इमर्ज द टेक्निकल क्वालिफाइड तो इस प्रकार से होगा क्या कि हम सेटेलाइट्स चाहे वो माइक्रो सेटेलाइट्स हैं नैनो सेटेलाइट्स हैं या फिर आपके काफ़ी बड़े सेटेलाइट्स हैं उनको हम आसानी से बनाकर इन सभी पी एस एल वी के द्वारा स्पेस में लॉन्च कर पाएंगे जिससे कि हमको रिवेन्यू भी आएगा और हम अपने डेटा को बिना लैग हुए उसको प्राप्त कर पाएंगे द नेक्स्ट इवेंट इज रिलेटेड विद द इंडियन नेवी तो देखिए ब्लैक पैंथर जेट्स टू बी आइनस विक्रांत प्रीमियर फाइटर्स अब ब्लैक पैंथर है क्या तो देखिए ब्लैक पैंथर एक नया वर्जन है मिग ट्वेंटी नाइन फाइटर्स का अब इन ब्लैक पैंथर हेलीकॉप्टर आपके फाइटर जेट्स को आइनस विक्रांत में अब आपका क्या किया जाएगा डिप्लॉयड करवाया जाएगा सो इट वुड बी द प्राइमरी फाइटर्स ऑफ द आइनस विक्रांत द लार्जेस्ट शिप एवरबिल्ड इन इंडिया द एयरक्राफ्ट हैज़ बीन इन सर्विस विद द इंडियन एयरफोर्स द एयरक्राफ्ट कैरियर कैन एकोमोडेट अप टू थर्टी फाइव एयरक्राफ्ट द नेवल मिट ट्वेंटी नाइन जेट विल ऑपरेट फ्रॉम आइन एस विक्रांत इन एंटी एयर एंटी सर्फिस एंड लैंड अटैक रोल्स तो देखिए अभी तो हम मिग ट्वेंटी नाइन फाइटर्स जो कि नेवल वर्जन है उनको हम इंड तो कह ही रहे हैं इसके अलावा हमारी बात आपके फ्रांस की एविएशन और अमेरिका की बोइंग के साथ भी चल रही है मैंने आपको पढ़ाया भी है और वो भी डील जल्दी होगी जिसमें से हम टोटल आपके 18 नए 4.5 पॉइंट जनरेशन के एयरक्राफ्ट को अपने आइनस विक्रांत के इस बेड़े में शामिल करेंगे ठीक है और अगर मिक ट्वेंटी के की बात करें तो इसमें आपका इस, इसकी जो स्पीड है वो मैक टू की स्पीड है ना ग्रेविटी के विरुद्ध आपका सिक्सटी फाइव थाउजेंड फीट की ऊंचाई पर ये आसानी से उड़ सकता है और ये आपके एयर सी और लैंड के ऑपरेशन को करने में किसी भी टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने में आपका पूरी तरीके से सक्षम है और इस एयरक्राफ्ट की एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी की जा सकती है तो ये सभी खासियत किसकी हैं ब्लैक पैंथर यानी कि मिक ट्वेंटी नेवल वर्जन की तो ये थे आपके आज के इवेंट्स अपने एस इंटरव्यू की प्रिपरेशन को करने के लिए आप सभी एस एस बी हमारे एस एस क्रैक एग्जाम के इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो सकते हैं और इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो समय बच्चों आ गया है आज के रिव्यू क्वेश्चन का एक बार फटाफट आप सभी क्लास को लाइक like और शेयर करते जाइए क्लास में अपने दोस्तों को भी बुलाइए कि क्लास कब से आपकी स्टार्ट हो चुकी है और अब आपके रिव्यू क्वेश्चंस का समय आ गया है सो so, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास इज इंडिया परचेस मिट ट्वेंटी या फिर बेलारूस भारत के द्वारा के फाइटर एयरक्राफ्ट को हमने किस देश से खरीदा हुआ है ओमकार जो फिफ्थ जनरेशन है फिफ्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी काफी महंगी होती है ठीक है अमेरिका के पास है लेकिन अमेरिका वो नहीं देता है और देखिए जो एयर जो अमेरिका के पास मैं कह रहा हूँ जैसे आपका एफ एटीन एफ़ ट्वेंटी टू एफ थर्टी फाइव ये सभी जो एयरक्राफ्ट हैं और मेनली आपका एफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू और एफ थर्टी फाइव थर्टी फाइव अमेरिका बिल्कुल भी नहीं भेजेगा ठीक है क्योंकि ये बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है और इनके जो एक फ्लाई एक जो शॉर्टी ली जाती है उसकी टोटल कॉस्ट जानते हैं आप कितनी आती? आती है दो करोड़ रुपए आती है शॉर्टी का मतलब होता है कि मान लीजिए आइनस विक्रांत पर एक आपका प्लेन है और उस प्लेन ने आपका उड़ान भरी एक चक्कर ले के वापस आ गया तो इसकी कीमत कितनी आएगी दो करोड़ रुपए आएगी अगर हम F22 F22 फिफ्थ जनरेशन के एयरक्राफ्ट ले लेते हैं तो दो करोड़ रुपए हम हर शॉर्टी के लिए भाई इतना पैसा तो है नहीं और ये जो आपका मिग ट्वेंटी है उसकी एक शॉर्टी की कीमत लगभग नौ से दस लाख रुपए आती है तो इससे अच्छा तो हमारा यही सही है ना और आप सभी जानते हो कि इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट होते हैं इंडियन नेवी के जो पायलट होते हैं सबसे बेहतरीन पायलट्स होते हैं तो इसका आपका अरे बाप ये गलत है वो ऑप्शन बी सही है ठीक है रशिया रशिया से हमने ये आपका खरीदा हुआ है तो यहां से आपने समझ लिया कि कॉस्ट कैसे आपकी आती है यूएनएससी काउंटर टेरिज्म कमेटी विल होल्ड स्पेशल मीटिंग इन फ्रांस अमेरिका भारत चाइना यूएनएससी काउंटर टेरिज्म कमेटी अपनी एक स्पेशल मीटिंग कहाँ पर कंडक्ट करेगी एंड द राइट आंसर इज़ दी ऑप्शन सी दैट इज द हमारा प्यारा भारत ठीक है 29 अक्टूबर को ये आपकी मीटिंग कंडक्ट होगी और आप सभी जानते हो कि तीन स्पेसिफिक एरियाज में इसको कंडक्ट किया जाएगा जिसमें इंटरनेट सिक्योरिटी मिस इन्फॉर्मेशन और आपका अनमेड एरियल व्हीकल सिस्टम क्या जो मिस यूज हो रहा है उस पर ये बातें होंगी अगला क्वेश्चन एक्सरसाइज जी कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन कतर ओमान जापान जमैका चलिए अच्छा आप सभी बच्चों ने जो अपना एनडीए का एग्जाम दिया है आपने देखा कि आपका कितना नंबर स्कोर हो रहा है मुस्कान धनंजय शिवानी प्रिया ओमकार जिन्होंने एनडीए एनडीएस का एग्जाम इस बार दिया है फटाफट बताइए कि आपका इस बार कितना नंबर रहेगा और साथ ही साथ ये भी बता दीजिए कि, कि कौन सी एंट्री के लिए आपने एग्जाम दिया है एंड द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी दैट इज द जापान ठीक है जापान इंडिया मैरिटाइम एक्सरसाइज ये हम जापान के साथ करते हैं ठीक है अगला क्वेश्चन के नाइन विजेंट सिस्टम एंड द के नाइन रिमोट डिप्लॉयमेंट सिस्टम इज वियर बाई हॉर्स डॉग्स स्नेक्स या फिर टाइगर ओमकार रंजन राफेल फोर पॉइंट फाइव जनरेशन का है फिफ्थ जनरेशन का नहीं है ठीक है द राइट आंसर इज दी ऑप्शन बी ठीक है ये डॉग भी कहता होगा ना मेरे को नहीं पता था मैं इतना सुंदर दिखता हूं तो यहां पर आप देख सकते हो ये आपका क्या है के नाइन विजन सिस्टम है और कैन आइन रिमोट डिप्लॉयमेंट सिस्टम जिसको हम सी आर डी एस कहते हैं वो इस प्रकार का है ठीक है कुत्ता भी कहता होगा कितना बोझ मेरे ऊपर लाद दिए हैं मुस्कान वेरी गुड ठीक है एस तो एस बी की तैयारी शुरू कर दीजिए मुस्कान हाँ अपना रीजनिंग पे फोकस करिए साथ ही साथ बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन होम पोर्ट ऑफ द इज इन ईस्टर्न नेवल कमांड वेस्टर्न नेवल कमांड सदर्न नेवल कमांड नन ऑफ डॉक्स को भी अग्नि अग्नि अग्निवीर बनाएंगे हाँ आप अग्निवीर स्कीम के तहत तो उनको शामिल किया जाएगा एंड द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए दैट इज द ईस्टर्न नेवल कमांड विशाखापत्तनम में इसका होम पोर्ट है आइना सत्पुरा ईजा डिस्ट्रॉयर ओपीवी सबमरीन या फिर फ्रिगेट देखिए जो भारत का फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट होगा उसका नाम क्या है ए एम सी ए है ठीक है और इंडियन नेवी का जो तेजस मार्क सेकंड वर्जन बन रहा है जो 2027 तक बन के तैयार हो जाएगा वो आपका क्या रहेगा फिफ्थ जनरेशन का एयरक्राफ्ट रहेगा ओके जो कि आपका टी ई डी बी एफ रहेगा यानी कि टेक ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर एयरक्राफ्ट और भारत का ये पहला फिफ्थ जनरेशन का रहने वाला अभी तक हमारे पास फिफ्थ जनरेशन का नहीं है हमारे पास हमारे पास तो फर्स्ट जनरेशन का है कौन सा मिक ट्वेंटी वन सेकेंड जनरेशन भी है थर्ड भी है थर्ड में आपका मिराज आ जाता है ठीक है थर्ड में आपका सुखोई आ जाता है फोर पॉइंट फाइव में आपका ये क्या कहते हैं राफेल आ जाता है एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज अ टाइप ऑफ अ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड आई एन सतपुरा को इनमें से कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करती है डीआरडीओ इसरो डीआरडीओ इजरायली इसरोलीस इंडस्ट्री कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड या फिर आपका मजगाव डॉक लिमिटेड हाँ चाइना के पास फिफ्थ जनरेशन है जो उनके जे सेवनटीन जे ट्वेंटी टू इस प्रकार के जो एयरक्राफ्ट उनके पास फिफ्थ जनरेशन का है उन्होंने अमेरिका के एफ ट्वेंटी एफ ट्वेंटी टू फाइटर एयरक्राफ्ट की पूरी नकल करके एक जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाया हुआ है सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इज ऑप्शन डी इट अ डॉक लिमिटेड ठीक है क्या है डॉक लिमिटेड इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बच्चों मुंबई महाराष्ट्र में है इनके द्वारा इस स्टील गाइडेड फ्रिगेट को बनाया गया है नेक्स्ट इवेंट चोला इंसिडेंट वाज डन इन विच ईयर सिक्सटी वन एटी एट नाइन एट एटी ओमकार रंजन अपाचे फोर्थ जनरेशन का है ठीक है अपाचे तो 2004 आर में उन्होंने अमेरिका वालों ने बनाया था खूब बना लिया खूब यूज़ कर लिया है ना? अब भारत ने मांगा है तो भारत के पास तो अभी आया है तो अगर कोई चीज़ कोई पुरानी चीज़ डेंट पेंट करके आपके पास दे दी जाए तो आप कहेंगे अरे हमारे पास तो अभी आई है ठीक है और उसमें जो टेक्नोलॉजीज लगी हैं इस जनरेशन की टेक्नोलॉजी हैं सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन ए दैट इज द 1967 ठीक है आपने पल्टन मूवी देखी होगी ना और ये इंसिडेंट आपका कहाँ पे हुआ था आपके सिक्किम में हुआ था ये सिक्किम आप देख पा रहे हो ना जहाँ पे कंचनजंगा है भारत की सबसे ऊंची आपकी चोटी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी आपका इंक्लूडेड है और इस पॉइंट को चाइना चाहता था कि हम कब्जा कर लें ये कब्जा कर लेता तो ये भी ये कब्जा कर लेते जो हमारा असम वेस्ट बंगाल आता है उसके बाद ये पूरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा खतरे में आ जाता वी एल एस आर एस एम इज अ क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल डेवलप्ड बाई नासा बी ई एल डी आर डी ओ या फिर इसरो ज्योति इस बार किसने किसका एक आपने एग्जाम दिया था क्लियर हो रहा है एंड द राइट आंसर इज द डीआरडीओ अभी आपने देखा कि जो जुलाई और आपका अगस्त मंथ था ठीक है इन दोनों मंथ में डीआरडीओ ने इस आपके मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है इट इज अ टाइप ऑफ सरफेस टू एयर मिसाइल ठीक है इंडियन नेवी के शिप के द्वारा आपका किया गया था और इस बार का जो आपका एन डी ए और सी डी एस का जो आपका एग्जाम आया था ठीक है उसमें जून तक के करंट अफेयर काफी पूछे गए थे आपने देखा भी होगा वेमेन एम्पावरमेंट का भी आपका पूछा गया था जो कि मार्च का इवेंट था पीस टाइम वॉर पीस टाइम वॉर टाइम गैलेंट्री अवॉर्ड इज आर ठीक है ज्योति वेरी गुड तैयारी आप सभी अभी से करते रहिए अगला आपका एनडीए सीडीएस का एग्जाम 16 अप्रैल 2023 को आपका होगा तो लगभग छह महीने आपके बचे हैं ठीक है 180 एट्टी डेज ओमकार वेरी गुड लगातार तैयारी करते रहिए एंड द राइट आंसर इज द ऑप्शन डी नन ऑफ द दब इनमें से कोई भी आपका पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड नहीं है पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड क्या है अशोक कीर्ति और शौर्य चक्र याद रहना चाहिए आप सभी को नेक्स्ट क्वेश्चन वेस्टर्न नेवल कमांड ऑफ इंडियन नेवी इज लोकेटेड एट वेयर मुंबई कोची चेन्नई या फिर आपका पणजी और आप देख रहे हो जिन्होंने अपने एनडीए सी के एग्जाम दिया था और डिफेंस करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे हर क्वेश्चन आपकी इस क्लास में आपको कवर कराए गए हैं एंडक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द मुंबई ठीक है तो वेस्टर्न ने कमांड मुंबई में है सदन कोची में और ईस्टर्न नेवल कमांड आपके विशाखापनम में है याद कर लीजिए अच्छे से नेक्स्ट क्वेश्चन मित्र शक्ति एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन श्रीलंका अमेरिका यूके नेपाल एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन ए दैट इज श्रीलंका ठीक है जी हाँ मुस्कान प्रोजेक्ट सेवेंटी फाइव आया था प्रोजेक्ट सेवनटीन ए आया था ना ब्लू हेलमेट जिसको हम यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का फोर्स कहते हैं वो भी आपका पूछा गया था अगला क्वेश्चन एस एल एन एस सर इज अ शिप ऑफ विच कंट्री ओमान कतर श्रीलंका या फिर मालदीव्स क्वेश्चन में ही आंसर इसका छुपा हुआ है बताइए सयुरला इनमें से किस देश की शिप है तो हम सभी जानते हैं कि यह आपकी श्रीलंका की शिप है ठीक है एस एल फॉर श्रीलंका एन फॉर नेवल शिप जैसे हमारी आई एन एस होती है तो वैसे ही श्रीलंका की क्या है एस एल एन एस है अगला क्वेश्चन है चलिए बताइए कौन करी इज द कैपिटल ऑफ गुइना, ग्यूटेमाला ग्रेनेडा या फिर आपका ग्रीस कैपिटल ऑफ सो द करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए आपने तब तक देख लिया होगा इसका आंसर ठीक है मैं सब जानता हूँ तो फिर आपका गुना है आप देख पा रहे हो इनके लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपका अटलांटिक ओशियन है पता रहना चाहिए ना अफ्रीका प्रांत में आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल बुक इज रिटन बाय अमिताभ कुमार विकास कुमार झा उषा उथफ या फिर ऋचा मिश्रा द ब्लू बुक अ राइटर्स जर्नल एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए अमिताभ कुमार ठीक है इनके द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है आई आर बिया स्टैंड फॉर वॉट आईआरबीएम स्टैंड फॉर वॉट फटाफट बताइए आई आर बी एम को पढ़ के एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द ऑप्शन बी इट इज द इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ठीक है जैसे हमारी अग्नि थर्ड है अग्नि फोर्थ है तो ये सब आई आरबीएम है ज द हेडक्वार्टर ऑफ द भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर इनमें से कहां पर है एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द बेंगलुरु कर्नाटका ठीक है ऐसे बच्चे जो अपना एनडीए सी सब पास कर लेंगे अब जल्द ही आपकी एस एस बी डेट्स एस एस बी सेंटर्स आपकी ई मेल आई डी पर आएगा और ज्वाइन इंडियन आर्मी पर आप सभी अपना अकाउंट बना लीजिएगा ठीक है जी हाँ ज्वाइन इंडियन आर्मी डॉट एन आई सी डॉट इन उस पर अकाउंट बना लीजिए ऑफिसर लॉग इन पर जाके अपना ई मेल आई डी ये सब भर दीजिए जो भी उसमें मांगता है और आपकी पूरी हर चीज़ डिटेल वहीं पर आती है मेजर रैंक ऑफ इंडियन आर्मी इज इक्वल टू विच रैंक ऑफ इंडियन नेवी कैप्टन इंस्पेक्टर लेफ्टिनेंट कमांडर वाइस एडमिरल फटाफट फड़ लगातार बताइए किसका आपका राइट आंसर क्या होगा क्लास को लाइक और शेयर भी आप सभी करते जाइए सिर्फ बैठे ना रहिए सिद्धार्थ टी एस इंट्री के लिए मेरिट तो मुझे अभी नहीं पता है आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं वहाँ पर ब्लॉग बनाया गया होगा जिसमें हमने पूरे ईयर्स की भी मेरिट्स दी गई हैं ठीक है तो उसको आप प्लीज़ रिफ़र करिए एंड द राइट आंसर इज द ऑप्शन सी दैट इज़ द लेफ्टिनेट कमांडर तो देखिए आपका ये जो मेजर रैंक है वो हमारे इंडियन ने नेवी ने के लेफ्टिनेंट कमांडर रैंक के इक्वलेंट होती है और इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाडन लीडर के यहाँ पे तो आंसर ही दे दिया है व्हाट इज द वॉर क्राई ऑफ द आसाम रेजिमेंट तो इसका आपका करेक्ट आंसर राइनो चार्ज है हम सभी जानते हैं ठीक है दैट इज द यूनिक वेलर रेजिमेंटल सेंटर मेघालय में हैप्पी शिलोंग वैली और 1941 से ये हमारी सेना में एक्टिव हैं राइनो चार्ज चल अच्छी बात है अगला क्वेश्चन लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज द जीओसी इन चीफ ऑफ नॉर्दर्न कमांड वेस्टर्न कमांड सदर्न कमांड या फिर आपका सेंट्रल कमांड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ इनमें से किस कमांड के हैं एंड द राइट आंसर इज़ the ऑप्शन ए दैट इज़ द northern कमांड ओके okay? northern कमांड कहाँ पर आपके जम्मू कश्मीर में है और उसके तहत आपके तीन कोर्स आती हैं एस एस इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए आप सभी हमारे एस एस इंटरव्यू ऑनलाइन प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं जहाँ पर आप डे फर्स्ट से लेकर डेट फिफ्थ तक की बेहतर प्रिपरेशन कर पाएंगे कोर्स काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपके लिए अवेलेबल है तो इसमें इनरोल होइए और अपनी तैयारी को आप करिए है। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ़ द डे की तरफ सो टुडेज क्वेश्चन ऑफ़ द इज़ यू हैव टू आइडेंटिफाई सिस्टम, ठीक है दोनों एक ही फोटो हैं आपको बताना है कि ये कौन सा सिस्टम है थोड़ा सर्च करिए जिससे आपको पता लगेगा इसका आंसर क्या होगा तो कल के क्लास में हम देखेंगे वॉट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑफ द डे विफोर यू वाइंड अप आई अगेन वॉन्टेड दैट दीजर दी कोर्सेज विच आर प्रोवाइडिड वाई दिस बी क्रैक एग्जाम लाइक एस एस बी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स एनडीएस एमनस टेरिटोरियल आर्मी एंड मैनी अदर्स Bundles and test series of all the courses are available in a very affordable price. You can download the PDF of this class from our Telegram and Blog channel. Those students who are interested in our courses, they can use this war 10 code and get 10% flat discount. Jai and Best of Luck.